सो गुड इवनिंग गाइस, फिर से एक नए वीडियो के साथ। गाइस मैं हूँ राजीव कुमार सिंह, आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल ई व्लॉग। सो गाइस, आज भी इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ एडसेंस लोडिंग का बहुत पूरा वीडियो, ठीक है। तो अगर आप लोग एडसेंस लोडिंग करना चाहते हैं या फिर सीखना चाहते हैं, सो मेरा इस वीडियो के अंदर मेरा एडसेंस लोडिंग के परफॉर्मेंस के बारे में पूरा जानकारी मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, वीडियो के अंदर मैं जो एडसेंस ओपन किया हूँ उसको सबसे पहले यहाँ पे रिफ्रेश करके देख देता हूँ, एंड रिफ्रेश हो रहा है ये जो एज जो एडसेंस है, तो यहाँ पे देख पा रहे उसका रिव्यू, ठीक है। और ये कभी एकदम फ्रेश साइट है, मैं जस्ट स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ और आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि देखिए कल ये स्टार्ट कल से स्टार्ट किया है और आज का देखिए सीपीसी इंक्रीज हो गया, कल का से देखिए डॉलर और आज का डॉलर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। देखिए एडसेंस लोडिंग का यहाँ पे तरीका है, देखिए जो जो लोग एडसेंस लोडिंग कर रहा है तो उनको भी पता होना चाहिए कि कभी इस तरह लोगों को एडसेंस लोडिंग के बारे में पता नहीं होता है और इसलिए पेमेंट नहीं मिलता है गाइस, इनवैलिड एक्टिविटी के कारण काट लेते हैं या फिर एडसेंस डिसेबल कर देते हैं। तो देखो मेरा यहाँ पे टूडे सो फार $8 ये स्टार्टेड जो रेवेन्यू वो देख सकते हैं, क्योंकि देखिए आज जो मतलब कल का जितना काम हुआ आज का भी ज़्यादा हो गया, फिर कल जो काम करना चाहिए आपको और भी ज़्यादा, ठीक है। और यहाँ पे फेसबुक भी देखना चाहिए एंड यूजर्स, सो मेन चीज़ ये है पेज सीटर हर टाइम आपको सॉलिड मतलब मेंशन करना ही पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो ये था एडसेंस लोडिंग का कुछ यहाँ पे रिव्यू मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर नया यूज़र को पता नहीं कि एडसेंस लोडिंग कैसे करते हैं, क्या करना चाहिए, ठीक है। तो देखो मेरा अभी मैं आपको धीरे धीरे करके एडसेंस लोडिंग सिखाऊंगा गाइस इस चैनल का माध्यम से, क्योंकि जो लोग एडसेंस लोडिंग सीखना है तो फॉलो करना जरूर और हमारे साथ साथ में रहिए, क्योंकि हम आपको अभी एडसेंस लोडिंग सिखाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए यूनाइटेड स्टेट्स में सारा का सारा ट्रैफिक, यहाँ पे ट्रैफिक भी अच्छा खासा आ रहा है और किस तरह हम करते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। बेसिकली हम कुछ कीवर्ड रिसर्च टूल्स यूज करते हैं, चलो मैं देखा जाता। तो गाइस यहाँ पे देखो मैं आ चुका हूँ सेमरेस के ऊपर, ये एसईओ टूल्स आप लोगों को पता है मेरे पास जो एसईओ टूल्स है ये है पेड। तो मैं कीवर्ड मैजिक टूल्स के ऊपर क्लिक करता हूँ एंड अभी मैं आ चुका हूँ कीवर्ड मैजिक टूल्स के ऊपर, ओके। तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको ढूंढना होगा कि गाइस यहाँ पे आपका ऐसा कीवर्ड ऐसा फोकस ढूंढना है, कुछ कीवर्ड ढूंढना है जिसके ऊपर सर्च वॉल्यूम अच्छा है एंड जिनका ऊपर कॉम्पिटिटर जो केडी है वो बहुत ही काम है। चलिए मैं यहाँ पे ढूंढता हूँ, चलो मैं यहाँ पे जैसे कि मैं अगर लोन रिलेटेड लिखना चाहता हूँ, ठीक है, सिंपली मैं यहाँ पे लोन कीवर्ड को डाल दिया एंड ज़्यादातर टारगेट यूएस को कर देता हूँ, तो यूएसए में रख देता हूँ एंड अभी मैं सर्च कर देता हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी सारा यहाँ पे बॉट मैच पे है, काफ़ी सारा कीवर्ड मुझे सजेस्ट करेंगे अभी, तो चलो देखते कितना कीवर्ड आते हैं। तो देखिए मेरे पास बहुत सारा यहाँ पे बहुत सारा कीवर्ड आ चुका है, मैं किस तरह काम कर रहा हूँ मैं आपको उसकी उसी का एक बहुत ही मज़ेदार तरीका मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे जाना होगा, यहाँ पे सर्च वॉल्यूम सही रहना चाहिए, अभी यहाँ पे मैं सिंपली वेरी इजी पे क्लिक कर दे। तो गाइस मैं फिर भी बोल रहा हूँ वेरी इजी में जो सर्च वॉल्यूम बहुत ही कम रहेगा लेकिन बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, इजीली आप यहाँ पे ट्रैफिक गेन कर सकते हैं। अभी देखिए कुछ कीवर्ड आ रहा है, तो यहाँ पे जो ये देखिए इंटेंट कंटेंट, यहाँ पे जो इंटेंट है कीवर्ड का इंटेंट आई, यहाँ पे देखिए इंफॉर्मेशनल जो कीवर्ड होता है उसके ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि उस पर ज़्यादा सर्च वॉल्यूम ज़्यादा रहते हैं, जो कमर्शियल वाली होते हैं उसमें नहीं जाना चाहिए, ठीक है, उसमें इतना ज़्यादा सर्च वॉल्यूम होता नहीं। अगर आप सी पी सी के बारे में सोचते हैं तो आपको उस टाइम आपको जाना होगा कमर्शियल कीवर्ड के ऊपर, ठीक है। तो अगर आप सी पी सी ज़्यादा चाहिए तो आप कमर्शियल जो कीवर्ड होता है इसको आप ले सकते हैं। तो देखिए ये के डी जो कीवर्ड डिफिकल्टी बहुत ही कम है, तो आपको यहाँ पे कुछ दो तीन कीवर्ड ढूंढना होगा। तो देखिए यहाँ पे वेरी इजी पे यहाँ पे मैं आता हूँ, ये अभी के डी कितना है 8, तो रिजल्ट पे यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा रिजल्ट। अभी मैं आपको दूसरा एक दिखाता हूँ, यहाँ पे रिजल्ट दैट मीन्स गूगल का अंदर जो रिजल्ट है उनका ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखिए इनका 100 यहाँ पे देखो 10 मिलियन रिजल्ट है गूगल के पास, सो इसमें मत जाइए क्योंकि इसमें रैंक नहीं होगा। तो मैं अभी आता हूँ यहाँ पे देखिए ऑनलाइन लोन्स, ये जो कीवर्ड है आप देख रहे हैं फाइनटेज जोन, हाँ फाइनटेज जोन जो होता है इस कीवर्ड का जो सर्च वीडियो में देख पा रहे हैं एंड अभी इसका गूगल के ऊपर जो टोटल मतलब रिजल्ट है गूगल के ऊपर टोटल रिजल्ट आप देख सकते हैं। देखिए एक मज़ेदार एक कीवर्ड मुझे मिल गया, चलिए ये मैं अपडेट होने के लिए बैठा दिया, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे देखिए ओनली 91 रिजल्ट है गूगल के पास, इसका ऊपर देखिए 84 और यहाँ पे देखिए सर्च वॉल्यूम भी अच्छा है, सर्च वॉल्यूम भी अच्छा है, देखिए हम ऑलरेडी 30
ऑलरेडी मतलब 30 रिजल्ट है, ठीक है, तो आपके देखिए यहाँ पे 50 ऑलरेडी पास, ठीक है, तो यहाँ पे नाव चला आ गया। तो गाइस आपको इस तरह उस कीवर्ड को आपको कॉपी करना है, रखना है एंड उसके ऊपर कंटेंट राइटिंग करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं आपको एक कीवर्ड दिखाया था कि ये कीवर्ड है, तो देखो इसका गूगल के ऊपर मैं यहाँ पे सिंपली इसको कॉपी करता हूँ, मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड कॉपी करने के बाद सिंपली गूगल के पास चला जाता हूँ एंड यहाँ पे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। देखिए रिजल्ट बहुत ही कम है और इसमें आपको 2 पेज मिल रहा है, तो यहाँ पे 2 पेज देखिए ऑनली 20 रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है लेकिन ऑनली 20 रिजल्ट आ रहा है। अगर आप इस कीवर्ड के ऊपर प्रॉपरली सर इस कीवर्ड के ऊपर अगर आप प्रॉपरली कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं, कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं, तो आपका जो यहाँ पे ये जो कीवर्ड बहुत जल्द गूगल का फास्ट रैंक में आ जाएगा, ठीक है, तो ये फास्ट रैंक तो आ जाएगा, ठीक है। अभी क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप होता है कि गाइस आपको यहाँ पे पेड ऐड चलाना है, गूगल ऐड चलाना, और इसी प्रोसेस के जरिए हम यहाँ पे एडसेंस बिल्डिंग करते हैं। देखिए ट्रैफिक लाने के लिए मेन चीज है आपको ऑडियंस, ठीक है, ऑडियंस को लाने के लिए कीवर्ड का जरूरी है। तो कीवर्ड ऐसा एक चीज है, अगर आप कीवर्ड अच्छा कीवर्ड फाइंड करते हैं तो आपका रिजल्ट 100% मिलेगा मिलेगा। सो ये था मेरा एक मतलब मेरा एक सीक्रेट टेक्निक है जो मैं करता हूँ एडसेंस जोड़ने के टाइम, ठीक है। अभी मैं चला चला जाता हूँ मेरा एडसेंस के ऊपर और उसी टाइप के मैं यहाँ पे काम करके मैं इतना सारा एडसेंस में अर्निंग किया हूँ पर डे। तो मेरा दिन में अगर सीपीसी हाई होता है उस टाइम क्या था, थोड़ा बहुत ट्रैफिक आने से ही मेरा जो यहाँ पे रेवेन्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। सो ये था मेरा प्रोसेस, अगर आपको ये प्रोसेस अच्छा लगा तो ज़रूर ये प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हैं। अगर मेरे वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करना, फॉलो करना, ठीक है। थैंक यू गाइस, मुझे नेक्स्ट, तब तक लो माइंड, टेक केयर।